न्यूज डिवाइन आपके लिए लेकर आता है निरंकारी जगत की सूचना व समाचार, जिसमें आप देखेंगे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी की कल्याण यात्राओं का ब्यौरा, सेल्वेशन टूर्स में निरंकारी मिशन की इंटरनेशनल खबरें, मिशन ओवरसीज में चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा दिए जा रहे सामाजिक योगदानों की जानकारी, SNCF डायरी में, और साथ ही समाज के प्रतिष्ठित सज्जनों की विचारधारा से रूबरू होंगे एक खास मुलाकात में। देश विदेश के कोने कोने में हो रही निरंकारी जगत की तमाम छोटी बड़ी गतिविधियों की जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज डिवाइन। दोस्तों, वक्त का दरिया निरंतर बहता जा रहा है। हमें चाहिए कि हम भी वक्त के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलते जाएं। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम देश दुनिया की तमाम घटनाओं और गतिविधियों से वाकिफ हों। निरंकारी जगत की गतिविधियों से रूबरू कराने के लिए न्यूज़ डिवाइन हर महीने आपके लिए लेकर आता है निरंकारी मिशन की खबरों का गुलदस्ता। फरवरी महीने के इस एपिसोड में मैं हूँ आपके साथ आम्रपाली चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। Celebration Tours of His Holiness, Samagams, Mission Overseas, SNCF Diary, Ek Khas Mulaqat, Other News। और अब खबरें विस्तार से। दोस्तों, कुछ सफ़र, कुछ यात्राएं दूसरों के कल्याण के लिए की जाती हैं, जो कभी थमती नहीं, और यही यात्राएं कल्याण यात्राएं कहलाती हैं। आज यही कल्याण यात्राएं बिना थके, बिना रुके देश के कोने कोने में निरंतर करते जा रहे हैं मानवता के मसीहा सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। आइए देखते हैं जनवरी महीने में हुई कल्याण यात्राओं का ब्यौरा इस रिपोर्ट में। कल्याण यात्राओं की लड़ी में सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और परम पूज्य माता जी ने 27 दिसंबर 2015 से 5 जनवरी 2016 तक गल्फ कंट्रीज की यात्रा की, जिसमें सबसे पहले आगमन हुआ दुबई में। यहां पर दिव्य युगल का भावभीना स्वागत किया गया। तत्पश्चात हुजूर बाबा जी और पूज्य माता जी 28 दिसंबर को मस्कट पहुंचे। यहां पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ और भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। मस्कट के बाद दिव्य युगल 1 जनवरी को वापस दुबई पहुंचे। यहां पर नए साल के उपलक्ष्य में एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सत्संग कार्यक्रम में भरपूर संख्या में भक्तों का आगमन हुआ और देर तक गीतों विचारों की लड़ी चलती रही। इसी प्रकार 3 जनवरी को आबूधाबी में सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। यहां पर आबूधाबी के अलावा दुबई तथा आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु भक्त सम्मिलित हुए। हुजूर बाबा जी ने समस्त साध संगत को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। 6 जनवरी को हुजूर का आगमन बहरीन में हुआ, जहां 7 जनवरी को आयोजित सत्संग कार्यक्रम में भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। तत्पश्चात 9 जनवरी को दिव्य युगल भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए दुबई से दिल्ली की ओर रवाना हो गए। दोस्तों, यकीनन सतगुरु बाबा जी के संग हमने गल्फ कंट्री यानी UAE की यात्रा कर ली, और आइए अब रुक करते हैं जनवरी में हुए समागमों की ओर। जनवरी के महीने में 12 तारीख को दिल्ली के समागम ग्राउंड में सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और परम पूज्य माता जी की छत्र छाया में भक्ति पर्व समागम का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा से हुआ। सत्संग कार्यक्रम में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से भरपूर संख्या में भक्तों का आगमन हुआ। देर तक चली भक्तिमय फुहारों में अनेक गीतकारों, कवियों और वक्ताओं ने अपने भाव प्रस्तुत किए। सद्गुरु बाबा जी ने उपस्थित मानव परिवार को जीवन में भक्ति और प्रेम की महत्ता बताते हुए फरमाया, आज भक्ति पर्व के अवसर पर इसी भक्ति को और उजागर किया जा रहा है। वाकई ही भक्ति की प्रधानता और विशेषता रही है, युगों युगों से रही है, और आज तक उन्हीं भक्तों का नाम रोशन है जिन्होंने अनन्य भक्ति की है। तो आओ साध संगत, कहने का भाव यही है कि यहाँ पर महापुरुष संत जन जो भक्ति का जिक्र कर रहे हैं, इसमें अगर प्रेम नहीं है तो भक्ति भक्ति रहती नहीं है।
आगे बढ़ने से पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज डिवाइन के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज डिवाइन में। और आइए अब आपको ले चलते हैं प्रादेशिक समागमों की लड़ी में, जहां महाराष्ट्र का 49th निरंकारी संत समागम 22, 23 और 24 जनवरी 2016 को नवी मुंबई के खारगर के मैदान में आयोजित किया गया। आइए देखते हैं समागम में हमारे संवाददाताओं द्वारा दी गई यह रिपोर्ट। महाराष्ट्र का 49वां निरंकारी संत समागम 22, 23 और 24 जनवरी 2016 को नवी मुंबई के खारघर मैदान में आयोजित किया गया। प्रेमाने बोला धन निरंकार। महाराष्ट्राच्या भूमीवर मी शीतल नवी मुंबई खारघर मध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करत आहे। 49वां निरंकारी संत समागम का आगाज हो चुका है और हम देख रहे हैं पालकी में बाबा जी विराजमान हो चुके हैं और एक मधुर बैंड अपना शोभा यात्रा का प्रतिनिधित्व करता हुआ बाबा जी के सामने से होकर गुजर रहा है और हम सब देख रहे हैं कैसे अनुशासित तरीके से ये बैंड अपनी सेवा का नजराना हुजूर के सामने पेश कर रहा है। आज समागम का पहला दिन है और इसकी शुरुआत इस शोभा यात्रा से हो रही है, जो मानवता के उत्सव का प्रतीक लग रही है। प्रेम, मिलवर्तन और एकत्व का उभरता जीवन दृश्य देखकर यूं लग रहा है मानो वैर नफरत की सारी दीवारें ढह गई है और प्रेम के पुल बन गए हैं, जो एक हृदय को दूसरे हृदय से जोड़ रहे हैं। जैसे जैसे खुशियों का ये कारवा आगे बढ़ रहा है, नाचते गाते भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। हुजूर बाबा जी के पावन मुखड़े पर सजी मधुर मधुर मुस्कान श्रद्धालु भक्तों के हृदय में आनंद के रंग भर रही है। अलग अलग रंग बिरंगी वेशभूषा और देश के कोने कोने से मनमोहक संस्कृति से सजे भक्तों की टोलियां, लंबी लंबी कतारों में हर्षित जनसमूह अपने सदगुरु का अभिनंदन कर रहे हैं। धीरे धीरे ये शोभा यात्रा समागम के मुख्य द्वार पर पहुंची है, जहां हजारों की संख्या में मानवता का समूह नैनों में सदगुरु दर्शन की आस लिए प्रतीक्षा कर रहा है। समागम का मुख्य द्वार देख रहे हैं आप, इसके सामने सजी हुई रंग बिरंगी रंगोली और ये मधुर मधुरी स्वर लहरियां छेड़ते हुए बैंड, और अब धीरे धीरे इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। बस चंद कदमों की दूरी पर है बाबा जी की पालकी और धीरे धीरे ये शोभा यात्रा ये पालकी मुख्य पंडाल की ओर बढ़ती आ रही है। सदगुरु बाबा जी का आगमन हो चुका है। आप देख रहे हैं कि सदगुरु बाबा जी शांति के प्रतीक ये सफेद, हरे और नारंगी कलर के गुब्बारे हवा में उड़ाकर शांति का संदेश समस्त मानवता को दे रहे हैं। ये खुशियों भरी ध्वनि, ये स्वागत भरी ध्वनि छेड़ते हुए बैंड और हर्षित उल्लास दे रहे हैं और सभी तालियां बजाकर हाथ जोड़कर हुजूर बाबा जी का अभिनंदन करते हुए ये मानव का विशाल परिवार अपने ईष्ट के एक झलक पाने के लिए हर्षित उल्लासित दिख रहा है। पालकी धीरे धीरे बढ़ती हुई मुख्य पंडाल की ओर जाती हुई और पालकी में सुसज्जित सभी के हृदय सम्राट सदगुरु बाबा जी हाथ हिलाकर सभी के अभिनंदन का जवाब देते हुए पालकी धीरे धीरे मुख्य पंडाल की ओर बढ़ रही है और भक्तों के हर्षित उल्लासित चेहरे सदगुरु बाबा जी के दर्शन दीदार कर हर्षित हो रहे हैं और खुश हो रहे हैं। स्वागत गान की मधुर मधुर स्वर लहरियों के बीच हर हृदय को खुशियों से सिंचित करती हुई ये शोभा यात्रा धीरे धीरे पंडाल की ओर बढ़ी। मुख्य मंच पर हुजूर बाबा जी के विराजमान होने के पश्चात सत्संग का शुभारंभ करते हुए कृपा निधान सदगुरु ने मानवता के नाम अपने संदेश में कहा, आप सभी महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न शहरों, गांव, कस्बों से, खेड़ों से चलकर यहां पर उपस्थित हुए हैं। एक मानवता, इंसानियत का पैगाम लिए हुए संसार में जो आज इंसान और इंसान के दरमियान दूरियां हो चुकी हैं,
इन दूरियों को समाप्त करके भाईचारे की भावना को मजबूत करने के लिए अमन शांति के साथ इस जीवन के सफ़र को तय करने के लिए आप सभी संसार को ये योगदान दे रहे हैं। सत्संग कार्यक्रम में महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न प्रांतों के अलावा देश विदेश के कोने कोने से आए भक्तों ने हुजूर बाबा जी के समक्ष अनेकों भाषाओं में अपने हृदय के भाव गीत व्याख्यान और कविता के रूप में प्रकट किए। जनवरी 2016 यानी समागम का दूसरा दिन, आज 49वें महाराष्ट्र निरंकारी संत समागम का दूसरा दिन है और ये खूबसूरत सुबह अपने साथ लाई है सेवा दल की रैली। सेवा दल जो मर्यादित भक्ति और अनुशासन का एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ हम देख रहे हैं सदगुरु बाबा जी का आगमन हो चुका है। सेवा दल का निरीक्षण करते हुए बाबा जी अब स्टेज की ओर विराजमान होने जा रहे हैं। यहाँ सेवा दल की रैली हुजूर बाबा जी की हुजूरी में शुरू हो चुकी है। यहाँ पे एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, किट्स और गेम्स सब चल रहे हैं और सेवा दल की खास बात ये है कि सारा दिन अपनी सेवाएं करने के बाद, चाहे दिन हो, रात हो या आधी रात समागम की समाप्ति के बाद की जो सेवाएं हैं वो सब पूरी करने के बाद ये फिर रात को प्रैक्टिसेस और रिहर्सल्स कर करके आज इन्होंने ये प्रस्तुतियाँ तैयार की हैं जो अभी अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ये जो ग्राउंड हमें नज़र आ रहे हैं, ये जो भी यहाँ रूप बना नज़र आ रहा है, इसके हर कोने में सेवा दल की सेवाओं का योगदान है। या इस ग्राउंड का कोई भी कोना हो, सेवा दल के इन सदस्यों का उत्साह, इनका जज्बा ही है जिसने इस ग्राउंड को ये भव्य रूप दिया है और ये सद्गुरु की कृपा है इन पर कि इनकी सेवाएं इस रूप में परवान होती हैं। इस ग्राउंड में हम जहां भी जाएंगे सेवा दल के महापुरुष सेवाएं करते नजर आएंगे। किसी की धर्म, जाति और किसी बात से उन्हें मतलब नहीं, मतलब है तो सिर्फ एक चीज़ से, वो सेवा ये सद्गुरु के मुताबिक और जो इस मिशन का संदेश है एकत्व का, प्यार का, उसके मुताबिक कर सके। इंसानियत के राह पे खुद तो चल ही रहे हैं पर दूसरों को भी प्रेरित कर सके कि ये प्यार, ये अपनत्व पॉसिबल है, ये हो सकता है और इसे ये खुद जी कर दिखा रहे हैं। सेवा का जो आनंद है, जो उसकी खुशियाँ हैं, वो इन शब्दों में दास बयां नहीं कर सकता है। सारे सेवा दल 12-12 घंटों की शिफ्ट में भी ड्यूटी कर रहे हैं, कई 8-8 घंटों की शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं। सेवा से सुख होत है, सेवा से दुख जाए। सदगुरु के चरणों से जब से जुड़े हैं तब से जीवन में जितनी भी तकलीफें थी वो सेवा करने के ही कारण सब दूर हुई हैं। जब भी हम कोई ऐसी बात महसूस करते हैं कि मन में स्फूर्ति नहीं है, तन में ताकत नहीं है, तो जब भी सेवा करते हैं तो ये सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं, एक उत्साह सा भर जाता है। गुरु की सेवा का आनंद ही कुछ और होता है। सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने आनंद से अपनी उत्साह दिखा रहे, इतना उत्साह शायद कहीं नहीं देखने को मिलता जो यहाँ पे निरंकारी परिवार के बीच में देखने को मिलता है। सेवा दल के इस जज्बे को सलाम करते हुए कैमरामैन सनी के साथ साधिका शौक, खारघर, नवी मुंबई से। सेवा दल रैली के सम्पन्न होने के उपरांत दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। पहले दिन की ही तरह दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में मानवता के मुखारबिंद से विभिन्न भाषाओं में भक्ति के अनेकों रंग प्रवाहित हुए। प्यार से सींचे ये धरती, इसको गुलजार बनाते जाएं, अरे पानी की तरह इंसानों के अब और न लहू बहाते जाएं। पानी की तरह इंसानों के अब और न लहू बहाते जाएं, न कहीं बिछड़कर अपनों से, ना कहीं बिछड़ कर अपनों से, रोए पल पल पछताते जाएं, हर नफरत वैर की तोड़ दीवारे, प्यार के पुल बनाते जाएं, प्यार के पुल बनाते जाएं। 24 जनवरी यानी समागम का तीसरा दिन, आज समागम ग्राउंड में चारों ओर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा था। हालांकि भक्तों के लिए समागम में हर प्रकार की छोटी बड़ी सुविधा का ध्यान रखा गया था।
माझं नाव स्वाती दिगंबर सकट आहे आणि मी जळगाववरून आलेली आहे. आणि म्हणजे ह्या ठिकाणाचे लोक वगैरे म्हणजे खूप चांगले आहेत. म्हणजे सगळ्यांना बहनजी व महात्माजी असे म्हणतात. म्हणजे सगळ्या जगामध्ये मला माझ्या भावाशिवाय मला कोणी बहीण म्हणत नाही, पण या ठिकाणी आल्यानंतर प्रत्येकजण कोणी बहनजी म्हणतात, महात्माजी असे म्हणत असतात. आणि या ठिकाणी आल्यावर मला खूप सेफ वाटतं. जाता बाहेर जातो आपण तर तेव्हा तिथे असं अनकम्फर्टेबल फील होतं ना आपल्याला, त्याच्यामुळे इथे छान वाटतं मला खूपच. मेरा नाम हरिदास मोरे है, मैं मस्कत ओमान से आया हूँ. एक जो मैसेज है इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का, वो सब हमें यहाँ देखने को मिलता है. मैं गिरीश का नाम अधरे. आज पहिल्यांदाच बाबांच्या दर्शनाला येण्याचं योग्य झाला आणि एकदम मन प्रसन्न झालं. आणि एवढे 7-8 लाख लोक येतात आणि 10-10 हजारची पंगत जेवणाला बसते आणि एकदम सुनियोजित एकदम सुव्यवस्थित असा कारभार चालू आहे. हमारे सद्गुरु बाबाजी का यही मेसेज है कि हमने मनों की दीवारों को तोड़ना है, पुल बांधना है. पुल बनना भी है और पुल बांधना भी है. समागम में पहले और दूसरे दिन की ही तरह तीसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में देर तक भक्ति भरे गीतों, कविताओं और व्याख्यानों की मधुरिम लड़ी सजी रही. I come to the mission, this is my third mission, and I've been all over the world lecturing, and I have not felt one place that I feel more at home than here at Nirankari Mission. The idea of oneness, of building bridges piece by piece, when you see the idea that Babaji is spreading throughout the world, this is what we have to rally around. They're talking about the whole human race. There's no colors, white, black, green, yellow, red. There's no religions. It's all of us together. Sare jag mein aman ho aman. Mere data aman ho aman. Mere data aman ho aman. Mere mug mein. सत्संग कार्यक्रम के अंतिम दौर में समस्त जनमानस को संबोधित करते हुए मानवता के मसीहा हुजूर बाबा जी ने कहा, ये सभी सुंदर फूल यहाँ पर उपस्थित हैं क्योंकि हम सुगंध महसूस कर रहे हैं. वो फ्रेग्रेंस हमें मिल रही है, वो खुशबू हमें मिल रही है. वो खुशबू प्यार, भक्ति, प्रेम की है. तो इस प्रकार से ये महकता हुआ वातावरण यहाँ पर ये बना हुआ है और यहाँ पर फूलों का ही जिक्र हो रहा है. बेशक कांटों का जिक्र भी हो रहा है, दीवारों का जिक्र भी हो रहा है, लेकिन केंद्रित हो रहे हैं फूलों के ऊपर, ब्रिजेस के ऊपर, फूलों के ऊपर. एक तो है दीवार है और दीवार को गिराना है, और दूसरी तरफ पुल की बात हो रही है. तो वही ध्यान आया कि एक ओवर ब्रिजेस भी तो बनते हैं शहरों में, सड़कों के, रेलवे क्रॉसिंग्स के ऊपर, बिजी इंटरसेक्शंस के ऊपर. तो इसी तरह से अगर दीवार है भी तो उसी के ऊपर से ही पुल क्यों ना गुजार दिया जाए, ताकि अपने आप ही वो दीवार होते हुए भी नहीं रहेगी. सद्गुरु बाबा जी की कृपा से निरंकारी मिशन की ओर से जहां अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य किए जाते हैं, वहीं सामूहिक शादियों के माध्यम से भेदभाव मिटाकर सादा जीवन, उच्च विचार को जीवन में अपनाने पर जोर दिया जाता है. इस समागम में लगभग 145 नवयुगल सद्गुरु बाबा जी की पावन छत्र छाया में वैवाहिक सूत्र में बंधे और हुजूर बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया.
इसी प्रकार गुरु वंदना के कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा भक्तों ने अपने सद्गुरु को रिझाने का प्रयास किया। इस प्रकार भक्ति प्रेम से सराबोर होकर गुजरती रही हर घड़ी और संपन्न हुआ महाराष्ट्र का 49वां निरंकारी संत समागम। दोस्तों, आपने महाराष्ट्र समागम का भरपूर आनंद लिया होगा और आइए अब जानकारी लेते हैं संत निरंकारी मिशन के विदेशों में स्थापित शाखाओं द्वारा दिए गए योगदानों का ब्यौरा मिशन ओवरसीज में। The Houston, Texas branch of the mission organized an interfaith spiritual forum on the 10th of January where the universal message of all saints and sages was shared. And now it's time to take a look at the activities and efforts of the SNM UK volunteers. The Fort Lauderdale branch of SNM organized a children's oneness exhibition and the second annual women's conference in the United States. Here is a report. Dhanin Kairji, we are here today at the South Florida Hindu Temple in Davie, Florida, where the Sant Nirankari Mission Fort Lauderdale chapter has organized their second annual women conference. My duty to teach my girls to love themselves and to make sure that they have confidence and self-esteem. And that's what this conference is all about. I was here last year, and I know there was an emphasis on health and psychology. And this year, I'm sorry I wasn't here for the whole thing, but I think the presentation in relationship to the young people was very important. And I think to engage more young people. It was a very wonderfully put together event, and what I really loved about it, and not only because I'm actually a women's rights activist anyway, and that's why I'm here, but also I love that it was a very holistic approach. So not just focusing on practical things such about the legal issues or women's rights, but also looking at them as, you know, beings in society that need this exceptional help, and also looking at it as spiritual well-being, social well-being, so not just the material world as well. And being here for the second time, Sant Nirankari Mission has really taken it up to the next level, empowering not just women, but you know, men too. For women's rights, I started my work from Pakistan, Peshawar, and then moved to Abbottabad, later into Canada, and then now in South Florida. Well, let me tell you, this is one of the best events I've attended in a very long time. We had speakers from different walks of life, and it was amazing to see how much importance was given to women health, mental health, physical health, spiritual health. And everybody was talking about things that are already known to all of us, but are so easy to forget in the hustle and bustle of life. This was one platform where I felt that with just natural ease, natural willingness, and the intention to let it be known, everything was laid out very beautifully. वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए न्यूज डिवाइन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, और अब हम आपको लिए चलते हैं निरंकारी मिशन की उन गतिविधियों की ओर जहां पर SNCF के द्वारा जनवरी के महीने में भी
अनेक प्रकार के आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य किए गए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 9 जनवरी को SNCF की ओर से स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के चौथे चरण का अभियान चलाया गया। इस अभियान में बड़ी संख्या में निरंकारी सेवादारों और SNCF के वॉलंटियर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और देश के भिन्न भिन्न रेलवे स्टेशन की लगन और मेहनत से सफाई की। इन सेवादारों और वॉलंटियर्स में भिन्न भिन्न कॉलेज के छात्र छात्राओं सहित समाज के सम्मानित पदों पर कार्यरत भक्त थे, जो सेवा को प्राथमिकता देते हुए लगन और मेहनत और समर्पित भाव से इन सेवाओं में जुटे थे। निरंकारी मिशन की तरफ से जो कैंपेन चल रहा है, क्या लग रहा है आपको, कितना इफेक्ट पड़ रहा है इसका? बेसिकली हम दिल्ली से ही हैं और अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं और पुणे जा रहे हैं। तो नॉर्मली जब हम स्टेशन पे आते हैं तो बहुत हर तरह की मतलब देखते हैं कि काफ़ी गंदगी होती है, सो वी पीपल आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन, बट आज हम आए तो हमने देखा कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये। यस, आपको देख के दूसरों को सीख मिलती है कि ये प्लेटफॉर्म साफ रखना चाहिए। वेल, इट इज़ अमेजिंग द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इज़ टोटली नीट एंड क्लीन आफ्टर हैविंग दिस इवन द स्वच्छ भारत इज़ गोइंग ऑन एंड दिस चैरिटेबल फाउंडेशन ऑफ संत निरंकारी इज़ डूइंग एक्सेलेंट जॉब इन दिस। मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरे सदगुरु की सेवा है, तो हम जो भी कर रहे हैं, चाहे कपड़े गंदे हो, हमें परवाह नहीं है। हमारा सदगुरु जो हमें आदेश देगा वो हम जरूर करेंगे। जी, मन की सफाई हो रही है, आत्मा की शुद्धि हो रही है, बेसिकली एक प्योरिटी आती है, क्योंकि जब तक हम ग्राउंड से नहीं जुड़ते हमें पता नहीं चलता हमारी रूट्स कहाँ हैं। तो हमें ये समझ आ रहा है कि हमें कहाँ करना है, जैसे घर की सफाई करते हुए कोई नहीं सोचता, वैसे ये भी तो हमारा घर ही है। यही हमारे मिशन का संदेश है। इसी लड़ी में 31 जनवरी को SNCF के द्वारा निरंकारी सरोवर परिसर पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें SNCF के वॉलंटियर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सरोवर परिसर के कोने कोने की भली भांति सफाई की। सामाजिक सेवाओं के तहत संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा ब्लाइंड बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु एडमिशन चार्ज भरते हुए उनका एडमिशन कमला मेहता दादर स्कूल फॉर द ब्लाइंड में करवाया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से NVC के तहत लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु निरंकारी पब्लिक स्कूल में एक्यूप्रेशर और सुजोग थेरेपी कैंप लगाया गया, जहां पर इस थेरेपी से संबंधित डॉक्टर्स और ब्लाइंड स्कूल से आए बच्चों ने एक्यूप्रेशर और सुजोग थेरेपी से संबंधित लाभ के बारे में बारीकी से जानकारी दी। SNCF की तरफ से संत निरंकारी पब्लिक स्कूल में एक्यूप्रेशर और सुजोग की क्लासेस का सिलसिला ये जो शुरू किया कि कुछ ब्लाइंड्स के लिए ऐसा सोचा जाए, अभी रिसेंटली वो शुरुआत हो चुकी है। स्टूडेंट आज हमारे बीच में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के अंदर और स्कूल में आज वो ब्लाइंड आए हुए हैं और यहाँ फुट मसाज वो अपनी टेक्निक से दे रहे हैं लोगों को। मेरा नाम मुस्तफा अली है मैम, हम जम्मू कश्मीर श्रीनगर से आए हैं मैम। इससे जो है रिलैक्स होता है मैम, चाहे सर में दर्द हो, कहीं भी किसी भी अंक शरीर का जो भी अंक हो मैम, हम पॉइंट देख देख के मैम जहाँ भी प्रेस करते हैं उसके माध्यम से क्या होता है कि शरीर को जो है पूरा रिलैक्स मिल जाता है। बहुत ही अच्छा ये जो ये डॉक्टर साहब ने जो सेवा अपनी अर्पित की है फाउंडेशन के लिए, मिशन के लिए, कि ऐसे कुछ ग्रुप्स को, बच्चों को, सबको तैयार करेंगे जो खुद तो हील होंगे ही होंगे, साथ में सारे संसार की जहाँ जहाँ भी रहते हैं सेवा भी करेंगे। जनवरी के ही महीने में 30 तारीख को फरीदाबाद में और 31 तारीख को निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, जहां अनुभवी डॉक्टर्स के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी गई। इसके अलावा 3 जनवरी को मुंबई में एक नेत्र जांच शिविर भी लगाया गया, जिसका भरपूर संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। SNCF के द्वारा जन सामान्य को ब्लड की बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके, इसके लिए जनवरी के ही महीने में 26 तारीख को मुंबई स्थित विले पार्ले सत्संग भवन में हुजूर बाबा जी के पावन कर कमलों के द्वारा एक ब्लड बैंक का उद्घाटन किया गया। काफी अरसे से मिशन के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं हिंदुस्तान में, हर प्रांत में, साल में कई दफ़ा कई स्थानों पे कैंप्स लगते हैं, तो जहाँ पर मिशन इन विन फील्ड्स में, चाहे एजुकेशन का फील्ड है या क्लिनलीनेस ड्राइव्स इत्यादि, जो कुछ भी देश के लिए समाज के लिए सेवाएं हो सकती हैं,
उसी लड़ी में जो हमारा हेल्थ वाला एस्पेक्ट है, तो ये ब्लड बैंक जिससे लोग इसे लाभ उठा सके, तो संदेश यही है कि बाकी भी लोग ये दान रक्त का देने के लिए आगे आए और मानवता के काम आए। मुंबई समागम के दौरान भी SNCF की ओर से मिशन के सामाजिक सेवाओं को दर्शाती प्रदर्शनी लगाई गई। इसके अलावा हेल्थ एग्जीबिशन द्वारा भी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी गई। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष दूर देशों से समागम में आने वाले कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम ने श्रद्धा, लगन और निष्काम भाव से मुंबई समागम में आए हुए श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाया। Hi, my name is Anne. I'm from Belgium and it's my first time I'm in India and it's my first time on a mission as well. It's a wonderful experience. I've never seen anything like this before. Hello, I'm Julia. I'm here at this mission. I'm coming from Germany. Yeah, it's great to be here. It's really a great experience. I'm really loving the passion that everyone shares here at this mission, and everyone is really giving all the passion and all the love they can, and it's great. And I've never experienced anything like this before, and it's just, yeah, I'm finding it really amazing how everyone giving the message about caring for everyone, and that every person is basically the same. Doesn't matter which religion, doesn't matter where you come from, if you come from a higher class, a lower class. And I think that's great, because in our world today it's very important that we think of that quite often, so yeah. Hi, my name is Keith. I'm here from Canada. This is my second Samagam. I attended the Delhi Samagam in November. The mission to me, it's amazing. It's amazing how this many people can come together, how there can be such oneness and such peace and such humility in everyone's eyes. And when you look into another person's eyes just as you're passing and you give them a quick prayer, it's amazing the connection you have with everyone, and no one is hostile towards one another. No one is impatient, and everyone is here with such love in their hearts. And that's the overall message of the mission that I really resonate with, is just how compassionate we are with one another and how much love and how much oneness there is, and how it's not dragged down in dogma, and it's a very open philosophy, and that's something I really resonate with, and I plan to come for many years to come. Hi, my name's Jess Monahan and I'm from Australia. I first heard about this mission trip through LifeWest, a chiropractic college in the US. Hello, my name is Guido Weiss and I was born and raised in Germany. But truly, I'm a person living in this wonderful world. And we're here to bring everything, to break down the walls that differentiate and separate us, and bring each other together through love and peace and truth, and bringing peace, piece by piece. Hi, I'm Shivaji Rane from Scotland, UK. I had come to Mumbai Samagam, and it just happened to be the case that I had a shooting pain down my neck, further down the upper back, and I'm just not used to sitting long hours in Samagam last night. So I thought of visiting this chiropractic tent, and Keith, the chiropractor doctor, he treated me, and I felt great after that. You know, I'm feeling very nice and comfortable now. So I really appreciate the initiative from SNCF, and it's really helping people to feel more relaxed and enjoy Samagam such as this to the best of, you know, their happiness. तो ये था SNCF डायरी का ब्यौरा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है एक खास मुलाकात। इस बार हमारे खास मेहमान हैं काउंसिल जनरल ऑफ कनाडा ऑनरेबल जॉर्डन रीव्स। टुडे वी हैव द ऑनर ऑफ होस्टिंग हिज एक्सीलेंसी मिस्टर जॉर्डन रीव्स, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ कनाडा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एनुअल संत निरंकारी समागम महाराष्ट्र। मिस्टर रीव्स पेड अ विजिट टू द कायरोप्रैक्टिक कैंप एंड कंग्रेचुलेटेड द डॉक्टर्स हु केम फ्रॉम वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द संत निरंकारी मिशन for the amazing service to humanity. Mr. Reeves also did a tour of the Samagam facilities, Langar, and also met Sevadars rendering selfless service. He took keen interest in the massive Langar preparation and distribution arrangements. He also praised the selfless efforts by the volunteers of the mission
in various fields of social upliftment. He then proceeded to seek blessings of His Holiness Sadhguru Babaji. Say with love, Dan Nirankarji. Friends, ladies and gentlemen, Your Holiness Babaji. My job as Consul General of Canada here in Mumbai is to promote the very best in relations between our two great countries, Canada and India. The next Nirankari International Samagam will take place in Toronto from June 28th, and I know the City of Toronto will welcome everyone who participates with open arms. So let's have a few words from Mr. Jordan Reeves on his experience at the Samagam. You know, there are so many people who are present here, you know, they could hear you. There are obviously, you know, large number of devotees whom we would want, you know, that your message should go to them as well. So what is the message that you would like to convey to the Sandharankari Mission devotees at large? Well, I think that first off, the reason why I came here in the first place to visit tonight was to pay tribute to some of the foreign, to volunteer physicians and the doctors who are from Canada and from many other countries who came. And for me, it's that spirit of giving and that charitable spirit that is what is so important. And I think stories like this are too few, but they're the things that I think we can really celebrate in terms of the people-to-people relations, certainly between India and Canada, but I think also, of course, between India and the rest of the world. So we're very blessed in Canada. We have 1.3 million people of Indian ethnic origin, people that are telling many stories, describing India to Canada. We have many Canadians coming here, or Indo-Canadians coming back to India. The flow of people and the connections in many spheres, I think, is very, very important. There are a lot of great stories being written in terms of humanity, compassion, very compelling stories. And I think here tonight, with the volunteer physicians, that was a great example of the kind of thing we want to see more of, and that we like to support. So if I were to ask you, what would be one, maybe just one takeaway from this entire event or the evening that you saw, what would that takeaway be? You know really what it is, what I'm going to remember for a long time, it's the pride and the happiness and the joy in people's faces when we toured around these incredible facilities. I talked to a number of people here that were working here. Some, you know, come from very simple backgrounds. Others are about to complete their MBAs, but there was no difference. Everyone joined together in terms of the work. They joined together to listen to His Holiness. They joined together for meal times and so on. And you could see the happiness and the pride and the willingness to share in people's eyes, those that I met, but it was everywhere. It was throughout this camp, and I think that's something, that image and that feeling is something I'm going to take away with and remember for a long time and think about. Sure. And lastly, I'd like to ask you about, you heard His Holiness speaking, and then you also had a chance to interact with him. So, what would be your description of, you know, this meeting, or what are your thoughts, you know, for His Holiness as a person? Well, he's so obviously a very, very generous and compassionate human being, and I can see that, you know, and also we listen to him. He's also a very, very intelligent and skilled orator. He certainly believes in his message, and he's a great communicator. So without doubt, you know, I can understand
why there are so many people here, for example, for this camp, and there are so many followers. It's clear that he's a very, very, indeed a very skilled, charismatic and very special, kind individual. और दोस्तों अब समय है अन्य समाचारों से रूबरू होने का अदर न्यूज में। 14 जनवरी को निरंकारी कॉलोनी सत्संग भवन में पूज्य माताजी की उपस्थिति में बाल समागम का आयोजन हुआ, जिसमें पूज्य माताजी ने बच्चों को पुरस्कार बांटकर उनका हौसला बढ़ाया। बच्चों को आशीर्वाद देते हुए पूज्य माताजी ने कहा, समय समय पर निरंकारी मिशन की ओर से निरंकारी प्रदर्शनी लगाई जाती है। महाराष्ट्र समागम में भी मिशन का इतिहास प्रदर्शित करती ये प्रदर्शनी हजारों लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। दोस्तों खबरों की इन कड़ियों को जोड़ते हुए अब हम न्यूज डिवाइन के अंतिम छोर तक पहुंच गए हैं। आप सभी का हर दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ दीजिए मुझे यानी आम्रपाली को इजाजत। अगले महीने की कुछ और रोचक और ज्ञानवर्धक खबरों के साथ फिर होंगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, धन निरंकार।